नमस्कार दोस्तों, आज हम कृष्ण जी के भोग के लिए मेवा पाक बनाएंगे। जिसके लिए मैंने डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप लिया है, 1 कप मखाना लिया है, आधा कप बादाम, आधा कप काजू, 1/4 कप किशमिश, बीज ले लिए हैं, मेलन सीड्स हैं ये, 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। बर्तन में हम 1 चम्मच देसी घी लेंगे। बादाम को हम इसमें भून लेंगे। दो मिनट बादाम भूनने के बाद काजू को भी इसी में भून लेंगे हम। काजू बहुत जल्दी भून जाते हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये सारा काम हमने लो फ्लेम पर किया है। सर किशमिश को भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर होगी ये। लो फ्लेम पर मखाने भी भून लेंगे। अब हम डेसिकेटेड कोकोनट को इसी बर्तन में भून लेंगे। एक मिनट भूनने के बाद हम इसी में मेलन सीड डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। अब हम 1 कप चीनी लेंगे, इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे। इसकी हम चाशनी बना लेंगे एक तार की। एक तार की चाशनी बन चुकी है। बादाम और काजू को हमने दरदरा कूट लिया है। खाने भी दरदरे कर दिए, इसे भी डाल देंगे। डेसिकेटेड कोकोनट और मेलन सीड्स डालेंगे। किशमिश डाल देंगे। 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डालेंगे। मिक्स कर लेंगे इसे हम। चाशनी को हम बहुत गाढ़ा नहीं होने देंगे, थोड़ा पतला रखेंगे। 1 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। ट्रे को हम चिकना कर लेंगे। दस मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे। हमने हल्के गरम पाक में ही निशान लगा लिए थे, अब हम इसको निकाल लेंगे। कृष्ण जी का प्रिय भोग मेवा पाक बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।